सेकंड फॉरफिटर एंड रिस्क ऑफ फॉरफिटर सेल्स का सेकंड वीडियो में आप सभी का स्वागत है। लास्ट वीडियो हमने सीखा था कि फॉरफिटर अगर हो रहा है और फिर उसी से कोई रिस्यू किया जा रहा है तो उसका हम लोग एंट्री कैसे पास करेंगे, लेकिन उसमें हम लोगों ने प्रीमियम का कोई भी ट्रीटमेंट नहीं सीखा था। यहाँ पे हम डिस्कस करने जा रहे हैं अगर शेयर प्रीमियम में इशू हुआ है और उसको फॉरफिट किया जाता है तो हम लोग का एंट्री क्या होगा। ठीक है, जब भी कंपनी अपना शेयर प्रीमियम इशू करता है और वो शेयर को फॉरफिट करना है तो फॉरफिटर का एंट्री करने का टाइम ये देखना है कि जिसका हम शेयर फॉरफिट कर रहे हैं उस पर्सन ने प्रीमियम का पैसा दिया है कि नहीं दिया है। अगर प्रीमियम का पैसा मिल चुका है तो फॉरफिटर में उसको नहीं दिखाना, टोटली हटा देना। लेकिन अगर प्रीमियम का पैसा नहीं मिला है तो हम लोग फॉरफिटर का एंट्री में उस प्रीमियम को शो करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन एक देखते हैं। क्वेश्चन सामने स्क्रीन पे है, 800 शेयर्स ऑफ 10 ईच इशूड एट अ प्रीमियम ऑफ ₹1 पर शेयर वेयर फॉरफिटेड फॉर द पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल। 800 शेयर्स फॉरफिट किया जा रहा है, ₹1 का प्रीमियम है, फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं मिला है, फाइनल कॉल का पैसा नहीं मिला। ठीक है, 20 शेयर्स वर इशूड एट डिस्काउंट ऑफ 3 पर शेयर, उसको रिस्यू किया जा रहा है 3 का डिस्काउंट में। ठीक है, अब यहाँ प्रीमियम है, फॉरफिटर का टाइम में देख लेना है कि प्रीमियम यहाँ पे हम लोग का प्रीमियम का पैसा मिला है कि नहीं मिला है। तो यहाँ पे जो प्रीमियम दिया हुआ है ₹1 करके, ये प्रीमियम अलॉटमेंट के साथ होता है। क्वेश्चन अगर साइलेंट है, कुछ नहीं बोला, तो ये अलॉटमेंट के साथ होता है। ठीक है, और शेयर फॉरफिट क्यों किया जा रहा है, क्योंकि यहाँ फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल का पैसा नहीं मिला है। तो इसका मतलब ये है कि जो शेयर हम लोग यहाँ फॉरफिट करना है उसमें प्रीमियम का पैसा मिल गया है। ठीक है, प्रीमियम का क्वेश्चन में दो ही सिचुएशन हो, या तो प्रीमियम का पैसा मिल गया होगा या प्रीमियम का पैसा नहीं मिला होगा। इस क्वेश्चन में प्रीमियम का पैसा जिसका हम शेयर कैंसिल करें उसने प्रीमियम का पैसा ऑलरेडी उसने दे दिया है। ठीक है, इस तरह सिचुएशन में हम एंट्री कैसे पास करेंगे। पहला एंट्री होगा शेयर फॉरफिट करने का, एंट्री होता है शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। अब डेबिट क्यों करते हैं, क्योंकि यहाँ पे शेयर क्या हो रहा है, कैंसिल हो रहा है। ठीक है, लास्ट वीडियो में डिटेल में मैंने सारा कुछ बताया हुआ था। ठीक है, और फॉरफिटर शेयर्स का टोटल 3 वीडियो हम लोग अपलोड करेंगे, आप लोग तीनों वीडियो को देखें तभी पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। ठीक है, ये दूसरा वीडियो है, एंट्री होगा शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू जितना पैसा शेयर होल्डर ने दे दिया होगा उसको हम लोग ट्रांसफर करेंगे फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट में, और जो उसने बाकी लगाया होगा, बाकी क्या लगाया, फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। ठीक है, ये जो हम लोग फॉरफिटर का एंट्री कर रहे हैं, प्रीमियम का क्वेश्चन है, प्रीमियम हम लोग ऑलरेडी मिल चुका है, तो जहां प्रीमियम ऑलरेडी मिल चुका होगा तो प्रीमियम को टोटली इग्नोर करना है। यहाँ पे हम लोग प्रीमियम बिल्कुल भी नहीं दिखाएंगे, टोटली हटा देंगे। ठीक है, तो आप अमाउंट कैसे बैठेगा, शेयर का वैल्यू ₹10 है, प्रीमियम हटा देना, फेस वैल्यू कितना बोला है 10, ₹10 में से फर्स्ट कॉल ₹2, फाइनल कॉल ₹2, मतलब ₹4 नहीं मिला, यानी ₹6 मिल गया। तो जो पैसा मिल जाता है उसको हम ट्रांसफर करते हैं फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट 800 शेयर्स का ₹6 करके 4800, और जो बाकी लग जाएगा वो हम लोग रेस्पेक्टिव अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे। तो फर्स्ट कॉल हो गया 1600 और फाइनल कॉल हो गया 1600। ठीक है, और जो कॉल्ड अप वैल्यू है, कॉल्ड अप वैल्यू मतलब इन सबको ऐड करेंगे तो कॉल्ड अप वैल्यू निकल जाएगा, या ₹10 करके ट्रांसफर हो जाएगा शेयर कैपिटल अकाउंट में, 800 शेयर्स इनटू 10 8000, ये हो गया फॉरफिटर का एंट्री। ठीक है, यहाँ पे हम लोगों ने प्रीमियम का जो पैसा है टोटली यहाँ से इग्नोर कर दिया। ठीक है, प्रीमियम का पैसा शेयर होल्डर ने अगर दे दिया है, ठीक है, प्रीमियम किसके साथ होता है, अलॉटमेंट, अगर अलॉटमेंट का पैसा मिल गया मतलब प्रीमियम मिल गया, प्रीमियम का पैसा अगर शेयर होल्डर ने दे दिया है और उसका शेयर कैंसिल किया जा रहा है तो फॉरफिटर के टाइम में बिल्कुल भी नहीं दिखाएंगे। ठीक है, उसको टोटली हटा देंगे यहाँ से। लेकिन वही अगर प्रीमियम का पैसा नहीं मिला तो फॉरफिटर का एंट्री में आएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन में उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। ये तो हो गया फॉरफिटर का, इसके बाद क्या हो रहा है, 800 शेयर रिइश्यू किया जा रहा है, 800 शेयर वापस रिइश्यू किया जा रहा है ₹3 का डिस्काउंट पे। ठीक है, तो जो हम लोग प्रीमियम और डिस्काउंट देखते हैं वो फेस वैल्यू के हिसाब से देखते हैं, फेस वैल्यू हम लोग का ₹10 करके 3 रुपए डिस्काउंट, मतलब ₹7 में रिइश्यू किया जा रहा है। रिइश्यू का एंट्री होगा बैंक अकाउंट डेबिट, 800 शेयर रिइश्यू किया जा रहा है ₹7 करके 56, जितना डिस्काउंट होगा रिइश्यू के टाइम में व्हाट्सएप ट्रांसफर होता है फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट में। ठीक है, 800 शेयर्स का
3 रुपीज करके। टू शेयर कैपिटल अकाउंट, फोर फीचर में कैपिटल डेबिट होता है, वही जब इशू करेंगे तो कैपिटल अगेन यहाँ पे क्रेडिट कर लेंगे। टोटल अमाउंट कितना हो गया 8000, ठीक है। और लास्ट एंट्री शेयर प्रॉफिट हो के जब इशू होता है तो जो भी कैपिटल प्रॉफिट अराइज होता है उसको हम लोग ट्रांसफर करते हैं कैपिटल रिजर्व में। एंट्री होगा फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। अब इसका एक निकालने का टेक्निक लास्ट वीडियो में डिस्कस किए थे, ठीक है। सीधा सा टेक्निक है, देखना है कि पहला पार्टी से कितना मिला जिसका शेयर हम कैंसिल कर रहे हैं, दूसरा पार्टी को कितना में रीइशू किया जा रहा है, उसके बाद दोनों को सम करके जो हम लोग का कॉल्ड अप वैल्यू है फेस वैल्यू माइनस कर लेना है, जो बैलेंस है वो यहाँ पे हम लोग ट्रांसफर करेंगे, ठीक है। अब वो टेक्निक दिखा देते हैं। पहला पार्टी से कितना मिला 6 रुपया करके, मतलब जितना पैसा फर्स्ट पार्टी ने दे दिया हुआ जिसके यहाँ शेयर कैंसिल किया जाए उसने 6 रुपया करके दे दिया था, ठीक है। जिसको हम रीइशू कर रहे हैं 7 रुपया करके रीइशू कर रहे हैं, 13 हुआ। इससे हम लोग फेस वैल्यू शेयर का जो फेस वैल्यू वो माइनस कर लेना है, बैलेंस कितना बचा 3 रुपीज, 3 रुपीज का भी जितना शेयर इशू हुआ 824। इसका निकालने का अलग अलग तरीका, लेकिन एक सिंपल सा टेक्निक है जो हर क्वेश्चन में एप्लीकेबल है, ठीक है। ये तो हो गया हम लोग का जहाँ प्रीमियम का पैसा मिल गया, अगला क्वेश्चन लेते हैं जहाँ प्रीमियम का पैसा नहीं मिलेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन सामने स्क्रीन पे है, 800 शेयर्स ऑफ रुपीज 10 ईच इशू रेट प्रीमियम 2 रुपीज का प्रीमियम है, मतलब 10 रुपए का शेयर है और 2 रुपए एक्स्ट्रा 12 रुपए में रीइशू किया जा रहा है, ठीक है। वेयर फॉरफिटेड फॉर नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट, उसने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया, फर्स्ट कॉल 2 रुपीज एंड फाइनल कॉल 2 रुपीज, 12 रुपीज में इशू हुआ, 3 रुपीज अलॉटमेंट का ये नहीं मिला है, 2 रुपीज फर्स्ट कॉल का ये भी नहीं मिला, 2 रुपीज फाइनल कॉल का ये भी नहीं मिला, मतलब टोटल 7 रुपया नहीं मिला, ठीक है। उसके बाद दिस शेयर्स वेयर रीइशूड, उसको रीइशू किया जा रहा है, फॉरफिट करके रीइशू कर रहे हैं, रीइशूड एट रुपीज 12 पर शेयर फुल्ली पेड अप, ठीक है। अब यहाँ पे 800 शेयर्स का अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल फाइनल का पैसा बाकी लगा होगा, ठीक है। हम लोग फॉरफिटर का एंट्री करना है, प्रीमियम है शेयर जब इशू हुआ तो वहां प्रीमियम था, देखना क्या है कि जिसका हम शेयर कैंसिल कर उसने प्रीमियम का पैसा नहीं दिया है कि नहीं दिया है, ठीक है। गिवन क्वेश्चन में बोला है कि अलॉटमेंट बाकी लगा, फर्स्ट कॉल बाकी लगा, फाइनल कॉल बाकी लगा, प्रीमियम 2 रुपए करके था, प्रीमियम अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो वो अलॉटमेंट के साथ ही देना होता है, तो यहाँ पे तो कहीं नहीं बोला कि प्रीमियम फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल एप्लीकेशन कहाँ पे था, इसका मतलब प्रीमियम अलॉटमेंट के साथ था और अलॉटमेंट यहाँ पे नहीं मिला, अलॉटमेंट नहीं मिला मतलब प्रीमियम का पैसा नहीं मिला, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है यहाँ पे हम लोग को प्रीमियम का पैसा नहीं मिला, अब एंट्री कैसे करेंगे। पहला एंट्री शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, ठीक है। प्रीमियम का पैसा नहीं मिला तो फोर फ्यूचर में प्रीमियम आएगा, और क्योंकि कैंसिल करने का एंट्री है तो सारा एंट्री हम लोग उल्टा करते हैं, जैसे इशू का टाइम में प्रीमियम क्रेडिट होता है क्योंकि कंपनी के लिए गेन होता है, लेकिन यहाँ तो हम कैंसिल कर रहे प्रीमियम को तो प्रीमियम डेबिट करेंगे। सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट टू क्रेडिट में जाकर जितना पैसा मिला फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट और जो बाकी लगा, बाकी तो अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल सब लग गया, ठीक है। तो एक एक करके बैठाते जाना, टू शेयर अलॉटमेंट टू शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट, आप अमाउंट कैसे बैठाएंगे, ठीक है। फॉर फ्यूचर में ध्यान रखना प्रीमियम का पैसा नहीं मिला तो यहाँ प्रीमियम लेके ही अमाउंट बैठाएंगे हम लोग, ठीक है। अब देखना ये कितना पैसा इस शेयर होल्डर ने दिया जिसका हम शेयर कैंसिल अभी कर रहे हैं, क्वेश्चन में बोला है कि शेयर प्रीमियम लेके, यहाँ प्रीमियम लेके एंट्री करना हम लोग क्योंकि प्रीमियम का पैसा नहीं मिला, प्रीमियम लेके शेयर का वैल्यू कितना है 12 रुपया, उसमें से 7 रुपया हमको मिला नहीं, यानी मिला कितना होगा 5 रुपीज, ठीक है। 5 रुपीज ये कंपनी ने रिसीव कर लिया होगा, कहाँ पर रिसीव किया होगा, सबसे पहले एप्लीकेशन देना होता है, एप्लीकेशन पे 5 रुपीज उसने रिसीव कर लिया होगा, तो जितना पैसा मिला हमें ट्रांसफर करते हैं फॉरफिटेड शेयर अकाउंट में, 800 शेयर इंटू 5 और जो बाकी लगा हुआ अलॉटमेंट 800 शेयर इंटू 3 करके 2400, 800 शेयर इंटू 2 करके 1600,
800 शेयर्स इनटू 2 करके फाइनल हो 1600। ठीक है, ये सब जो मिला प्रॉफिट है जो बाकी लगा लाइन से रेस्पेक्टिव अकाउंट में क्रेडिट कर लिया। ठीक है, प्रीमियम में कितना जाएगा, 2 रुपया का 800 शेयर्स इनटू 2 1600, और जो बैलेंसिंग अमाउंट आएगा वो कैपिटल में बैठा देना, या इसको कॉल्ड अप वैल्यू भी बोल सकते हैं, फेस वैल्यू भी बोल सकते हैं। फेस वैल्यू कितना है, 10 रुपया करके 800 शेयर्स का 8000। ठीक है, जो बैलेंसिंग फिगर इसको सम करना है, माइनस करना, जो बैलेंस है यहाँ बैठाना है 800 शेयर्स इनटू फेस वैल्यू या कॉल्ड अप वैल्यू। ठीक है, ये फॉरफीचर का एंट्री हुआ। अब रेशियो का एंट्री, क्वेश्चन में यहाँ बोला है कि शेयर 800 शेयर्स 12 रुपीज का भी रेशियो हो रहा है। ठीक है, फेस वैल्यू क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है 10, लेकिन रेशियो कितना मैं कर रहा है 12 में, हो सकता है रेशियो फेस वैल्यू से ज्यादा मैं कर रहा, तो अगर फेस वैल्यू से ज्यादा मैं रेशियो कर रहा तो उसको हम लोग प्रीमियम में ट्रांसफर करते हैं। ठीक है, इशू के टाइम में भी वही बात था, फेस वैल्यू से ज्यादा तो कहां ट्रांसफर करें, प्रीमियम में, और रेशियो में भी अगर फेस वैल्यू से ज्यादा लिखते तो कहां ट्रांसफर करेंगे, प्रीमियम में ट्रांसफर करेंगे। ठीक है, तो रेशियो का एंट्री होगा यहाँ पे 800 शेयर्स 12 रुपीज करके रेशियो कर रहा है। एंट्री होगा बैंक अकाउंट डेबिट, डेबिट क्यों, क्योंकि कंपनी को यहाँ पैसा मिलेगा 800 शेयर्स का 12 रुपीज करके 9600। और पिछला एंट्री में हम लोगों ने फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट डेबिट किया था, डेबिट कब करते हैं, अगर फेस वैल्यू से कम में रेशियो हुआ है तो, फेस वैल्यू से कम में रेशियो हुआ तो डिस्काउंट हो गया, डिस्काउंट लॉस होता है, कंपनी को यहाँ पे एंट्री में डेबिट करेगा उसको। ठीक है, लेकिन यहाँ पे कंपनी को लॉस नहीं हो रहा है, रेशियो में भी वो प्रीमियम एक्स्ट्रा पैसा दे रहा, प्रॉफिट हो रहा है। तीन चीज होगा बैंक अकाउंट डेबिट, 2 शेयर कैपिटल, और जो एक्स्ट्रा पैसा लिया है फेस वैल्यू से ज्यादा जो 2 रुपए ले रहा है उसको ट्रांसफर करेंगे सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, 10 रुपीज करेंगे कैपिटल में आ जाएगा 8000, और 1600 मतलब 800 शेयर्स का 2 रुपीज का प्रीमियम सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व में ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है, और तीसरा और आखिरी एंट्री होता है फॉरफिट का, अगर इशू करेंगे तो कुछ ना कुछ कैपिटल प्रॉफिट होगा तो उसको ट्रांसफर करना है कैपिटल रिजर्व में। एंट्री होता है फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। ठीक है, और इसका टेक्निक था, देखना है कि पहला शेयर जिसको हम फॉरफिट किए थे, जो फॉरफिट किए थे उस टाइम इस शेयरहोल्डर को कितना पैसा दे दिया था, 5 रुपया करके, ये 5 रुपया का हमको मिल गया था, फिर जब रिशू करेंगे तो वहां हमको कितना मिल रहा है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर प्रीमियम कभी भी थर्ड एंट्री का प्रीमियम का इफेक्ट बिल्कुल भी नहीं होता है, क्योंकि फॉरफिटेड शेयर्स एक तरह से हम लोग कैपिटल होता है, उसको कैपिटल में ट्रांसफर करता है, कैपिटल में प्रीमियम बिल्कुल भी नहीं आता, तो यहाँ प्रीमियम नहीं आएगा। तो जब रिशू किया तो हमको मिल रहा है 12 रुपया, लेकिन 2 रुपया तो इसमें प्रीमियम है तो उसको हटा देंगे, कितना मिलेगा हमको 10 रुपया, 15 रुपया मिला, फेस वैल्यू कितना है 10 रुपया, माइनस करके बचता है हम लोग हाथ में 5 रुपया, 5 रुपया करके कैपिटल रिजर्व में जाएगा। ये एक टेक्निक है, हर क्वेश्चन में हम लोग फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, एक और प्रीमियम का क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन सामने स्क्रीन पे है, नितिन ने शेयर होल्डर होल्डिंग 1000 शेयर्स ऑफ 10 ईच डिड नॉट पे द अलॉटमेंट ऑफ रुपीज 4 इंक्लूडिंग प्रीमियम, अलॉटमेंट में प्रीमियम इंक्लूड है 1 रुपया करके, उसने वो नहीं दिया, एंड द फर्स्ट एंड फाइनल कॉल रुपीज 3 अलॉटमेंट नहीं दिया, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल दे दिया, हिज शेयर्स वर फॉरफिटेड आफ्टर द फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, उसका शेयर फॉरफिट हो जा रहा है, इसका हम लोग एंट्री पास करना है, एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन। ठीक है, सिर्फ फॉरफिटर एंट्री पास करना, यहाँ भी प्रीमियम है तो देखना क्या है, प्रीमियम का पैसा नितिन ने दिया है कि नहीं दिया है। ठीक है, कैसे पता चलेगा, प्रीमियम नॉर्मली अलॉटमेंट के साथ होता है, इस क्वेश्चन में क्लियर बोला है कि अलॉटमेंट के साथ प्रीमियम है, और नितिन ने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया, अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया मतलब उसने प्रीमियम नहीं दिया, तो प्रीमियम अगर नहीं मिला है तो फॉरफिटर के टाइम में हम लोग को प्रीमियम दिखाना है। एंट्री होगा फॉरफिटर का शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम आएगा क्योंकि प्रीमियम का पैसा नहीं मिला है, और क्योंकि ये कैंसिल का एंट्री है इसलिए कैपिटल भी डेबिट हो जाएगा और प्रीमियम भी डेबिट होगा, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट टू क्रेडिट में क्या बैठा था फॉरफिटर में, जितना पैसा मिला वो जाएगा फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट में, और जो बाकी लगा, बाकी क्या लगा है, शेयर अलॉटमेंट रेस्पेक्टिव अकाउंट में क्रेडिट कर देना है, और शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। ठीक है, अब अमाउंट कैसे बैठेंगे,
क्वेश्चन ये बोला है फेसबुक तो 10 रुपए का है और 1 रुपया प्रीमियम 11 रुपए का शेयर है, इसमें से अलॉटमेंट 4 रुपया करते था जो कि उसने नहीं दिया और फर्स्ट एंड फाइनल को 3 रुपया कर दिया, मतलब 7 रुपया हमको नहीं मिला। तो मिला कितना प्रीमियम लेके, क्योंकि एंट्री हमको प्रीमियम लेके पास करना, तो प्रीमियम यहाँ पे ऐड करके देखेंगे, 11 रुपीज में से 7 तो नहीं मिला, तो मिला कितना सिर्फ 4 रुपीज, 4 रुपीज करके जाएगा कितना शेयर है 1000 शेयर, 1000 शेयर का 4 रुपीज करके जाएगा फोरफिटेड में 4000, ठीक है, और अलॉटमेंट 4 रुपया करके 1000 शेयर का 4 रुपीज करके 4000 और फर्स्ट को 1000 का 3 रुपीज कर, ठीक है। प्रीमियम में कितना जाएगा 1 रुपया, क्वेश्चन प्रीमियम बोला 1000 का 1 रुपया करके 1000 हुआ, और बैलेंसिंग फिगर जिसको कॉल्ड अप या फेस वैल्यू भी बोलते हैं वो चला जाएगा कैपिटल अकाउंट में, ठीक है। ये क्या टोटल 11000 माइनस 1000 यहाँ कितना आया 10000 में, ये हो गया फोरफिटर का सिंपल सा एंट्री। एक क्वेश्चन और देखते हैं, क्वेश्चन सामने स्क्रीन पे है, 800 शेयर था उसमें फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल का पैसा नहीं मिला, इस शेयर को कंपनी फोरफिट कर रहा है, ठीक है। और ये भी बोला है कि प्रीमियम में इशू हुआ था, तो जब प्रीमियम में शेयर इशू होता है तो हम लोग को ये देखना है कि प्रीमियम का पैसा जिसका शेयर हम कैंसिल कर रहे हैं उस पर्सन ने प्रीमियम का पैसा दिया है कि नहीं दिया है। गिवन क्वेश्चन में इन्फॉर्मेशन है कि फर्स्ट कॉल एंड फाइनल को पैसा नहीं मिला, मतलब एप्लीकेशन और अलॉटमेंट मिल गया और प्रीमियम जो होता है अलॉटमेंट के साथ होता है, इसका मतलब यह कि प्रीमियम को पैसा हम लोग को गिवन क्वेश्चन में मिल चुका है, ठीक है। अब फोरफीचर करना है, तरीके क्या फॉलो करेंगे, प्रीमियम का पैसा अगर मिल गया तो टोटली फोरफीचर का एंट्री से टोटली प्रीमियम को हटा देना है, ठीक है। एंट्री होगा फोरफीचर का शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू जितना पैसा शेयर होल्डर ने कंपनी को दिया है उसको ट्रांसफर करेंगे फोरफिटेड शेयर अकाउंट से, और जो जो बाकी लगा, बाकी क्या लगा फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल वो रेस्पेक्टिव अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। अब अमाउंट कैसे बैठाएंगे, 10 रुपीज का शेयर है फेस वैल्यू, प्रीमियम को हटा देंगे, 2 रुपीज फाइनल को, 2 रुपीज फर्स्ट कॉल, 2 रुपीज फाइनल कॉल नहीं मिला, मतलब 4 रुपये नहीं मिला है, यानी मिला कितना है 6 रुपीज, तो जितना पैसा मिल गया वही फोरफिटेड शेयर अकाउंट में जाता है, तो 800 शेयर्स का 6 रुपीज करके 4800, फिर 800 शेयर्स का 2 रुपीज करके जो फर्स्ट कॉल का बाकी लगा 1600, फिर 800 शेयर्स का अगेन 2 रुपीज करके 1600, सबका सम जो होगा उसी को फेस वैल्यू या कॉल्ड अप वैल्यू बोलते हैं, वो ट्रांसफर हो जाएगा कैपिटल अकाउंट में, टोटल कितना आया 8000, और ये डायरेक्टली भी निकाल सकते हैं 800 शेयर्स का फेस वैल्यू 10 रुपीज का 8000, ये फॉरफिट हो गया। अब इसी शेयर को रीइशू किया जा रहा है 10 रुपीज करके, 10 रुपीज मतलब एट पार, जो फेस वैल्यू था उसी रेट में रीइशू किया जा रहा था, जब शेयर फेस वैल्यू में रीइशू होता है तो ना वहाँ डिस्काउंट होगा ना प्रीमियम होगा, अगर फेस वैल्यू से कम में रिशू करते हैं तो डिस्काउंट होता है, रिशू का एंट्री में फॉरफिटेड शेयर अकाउंट बोलकर डेबिट करेंगे, और अगर फेस वैल्यू से ज्यादा में रिशू हुआ तो उसको प्रीमियम बोलते हैं, रिशू के एंट्री में सिक्योरिटीज पेमेंट रिजर्व बोलकर क्रेडिट करेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर तो पेमेंट डिस्काउंट कुछ नहीं है, सीधा सा एंट्री होगा रिशू का बैंक अकाउंट डेबिट, डेबिट 800 शेयर का 10 रुपीज करके 8000 टू शेयर कैपिटल अकाउंट 800 शेयर का 10 रुपीज करके 8000, इस एंट्री में अगर डिस्काउंट होता तो यहाँ डेबिट करते हैं, फॉरफिटेड शेयर बोल के प्रीमियम होता है तो सिक्योरिटीज पेमेंट रिजर्व बोल के क्रेडिट करते, कुछ भी नहीं, और लास्ट एंट्री होता है फॉरफिटेड शेयर का पैसा, फॉरफिटेड शेयर अकाउंट डेबिट टू कहाँ ट्रांसफर होता है कैपिटल रिजर्व, ठीक है। और अमाउंट कैसे निकालेंगे, एक जो टेक्निक वाले बताए थे, फॉरफिटर में देखना है कितना पैसा हम लोग को मिल गया, जो फॉरफिटेड शेयर क्रेडिट होता है इससे हम लोग ये पता चला जाता है कि कितना पैसा मिला है एक शेयर पे, 6 रुपीज करके मिल गया, फिर रीइशू कितना में किए 10 रुपीज, मतलब दोनों मिला के 16 रुपीज हमको मिला है, फॉरफिट करके रीइशू किए दो पार्टी से हमको 16 रुपये मिल चुका है, फेस वैल्यू हटा देंगे यहाँ से तो ये हो गया हम लोग कैपिटल रिजर्व पर शेयर, तो 6 रुपीज करके यहाँ बैठेगा, और जितना शेयर रीइशू किया है, रीइशू हुआ 800 शेयर्स तो 4800, ठीक है। ये तो हो गया हम लोग का
फॉर फ्यूचर इशू का एंट्री अगर क्वेश्चन में प्रीमियम दिया है तो। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में जहां पर हम लोग डिस्कस करेंगे अगर शेयर पार्टली कॉल्ड अप है तो उसका हम लोग फॉर फ्यूचर का एंट्री कैसे करेंगे।